आर बाई गैस का पाउच। दोस्तों आर बाई गैस एक अजिही गैस है जिदा प्रेशर घट हुंदा है, जिदे करके कि इस दे इदां दे सिलेंडर मार्केट दे विच अवेलेबल हैगे आ, जिहड़े कि बहुत ईजी टू ईजी कैरी करने ईजी ने, यूज़ करने ईजी ने, ते काफ़ी अच्छा इन्हां दा जो गैस की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी हुंदी है। मैं काफ़ी इन्हां नूं यूज़ करदा हाँ। तो अज आपां तुहाडे नाल इस आर बाई गैस बारे ही गलबात करांगे, जो पाउच दे विच आउंदी है, जो इहदे विच गैस हुंदी है। तो टोटल जो वेट हुंदा है सिलेंडर दा वो 950 ग्राम हुंदा है। ते ये जो मेरे हाथ दे विच गैस है ये आर बाई गैस है। तो मैं तुहानू ये भी दस देवां कि आर 32 या 410 इदां दीआं गैसां, जो ये दो गैसां जिहड़ियां हैगियां कैन दे विच इदां नहीं होंदियां, ये वड्डे सिलेंडरां दे विच ही होंदियां, क्योंकि इहनां दा प्रैशर बहुत ज़्यादा हाई हुंदा है। तो ये जिहड़ियां गैसां, ये जिहड़े सिलेंडर हुंदे आ, ये उहनां गैसां दा प्रैशर जो है वो सहन नहीं कर सकते, मंटेन नहीं कर सकते। इसे करके जो ये गैसां हुंदियां है वड्डे ही सिलेंडरां दे विच आउंदियां, जिहड़ा कि इहनां दा प्रैशर मंटेन कर सकते आ। तो ते जिहड़ी आर बाई गैस हुंदी आ उह इदां दे कैन दे विच आ जांदी है। तां जो मेरे हत्थ दे विच है इक चाइनीज़ कैन है, जिहड़ा कि जिहदे विच कि आर बाई गैस पाई हुई है, ते इहदा नाम जो है रेफ्रोमैक्स कंपनी दी है। ते मैं काफ़ी इन्हां दे कैन वगैरह यूज़ करदा हाँ, तो मैनूं काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी इन्हां दी। तुसीं भी जरूर वरत के देखो, दूसरी गैस दे मुकाबले, खुले गैस दे मुकाबले मैं देखा तो इहनूं आपां ईजीली आपां एक ईजीली नॉर्मल आपां यूज़ करनी है, तो एक कैन अपने बैग में होवे तो वड्डा सिलेंडर आपां नूं कैरी करन दी जरूरत नहीं पैंदी। एक कैन नाल ही अपना एक एसी दे विच गैस जो रिफिल हो जाती है, फुल हो जाती है। तो ये अच्छी इहदी क्वालिटी लगी। तो कुछ इहदे विच डायरेक्शन भी दित्तियां हुई हैगियां भी इहनूं यूज़ किवें करना गा। तो नाल ही नाल ये जो गैस है इहनूं थोड़ा जिहा कूल प्लेस पर रखना हुंदा है। ये नहीं है कि खतरनाक नहीं है, जे ये किसी फायर दे नेड़े आ जाता है तो ये घटना का कारण बन सकता, दुर्घटना हो सकती है इस दे नाल। इसलिए इसका नॉर्मली जो आप दूसरी गैसों का ध्यान रखते हाँ, जिहड़ियां आर 32 या 410 या दूसरे सिलेंडर के गैसा होंगे उन्हों का ध्यान रखते हैं, तो सेम उस तरह ही इहदा भी आपां नूं ध्यान रखना पैंदा है। तो जिहड़ी प्योरिटी इत्थे इन्हां दी स्पेसिफिकेशन दसियां हुई हैं, जिहदे विच कि प्योरिटी की गल करिए तो इन्हां ने उपर लिखा होया है कि 99.9% जो है प्योर है। मॉइस्चर जो है 10 PPM मैक्स तक जाता है इहदा, तो SDT जो है इसकी 0.1 PPM मैक्स है, तो वैप्योर रेजिड्यू जो है इहदा 100 PPM मैक्स है। ठीक है, इहदे वार्निंग दित्ती हुई है, मैं तुहानूं पढ़ के सुना दिंदा हाँ कि वार्निंग इहदे उपर की दित्ती हुई है। इहदे उपर कंटेंट्स अंडर प्रैशर एक्सक्लूसिव इनहेलेंस कैन केज डैथ, रीड केयरफुली अदर केजन ऑन ब्लैक लेबल। इन्हां ने दस्सिया कि इस ते किसी भी तरह का प्रैशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह कि एक खतरे का कारण बन सकता है। यह तो ये उपर जो होल हुंदा है तो एक बिल्कुल अपना वाल हुंदा है जिहड़ा इहदे उपर कसया जाता है, जिहदे नाल कि यह इहनू यूज़र तो आप गैस लै सकते हैं। अगे गेजां लग के मैं दसदा हाँ किदां होएगा। तो जिवें दोस्तों आपां गलबात कर रहे सीगे कि ये कैन नू यूज़ किदां करते हाँ आपां, तो सिंपली ये जो वाल हुंदा है ये वाल दे उपर अटैच हो जाता है। तो सिंपली ये उपर इदा अटैच हो जाएगा, तो इस तरीके टाइट कर लैन नाल ये उपर फिट हो गया है। तो जिहड़ी अपनी चार्जिंग लाइन हुंदी है, प्रेशर गेज हुंदी है, तो जो चार्जिंग लाइन हुंदी है जी इसकी, तो इहदा आपां यूज़ करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, एसी नूं गैस चार्ज करने लई सिलेंडर अपना रेडी हो चुका है। तो जिथ तक मेरे विचार ने तो यह गैस सिलेंडर बहुत ही वधिया है, इसनूं आपां नूं जरूर यूज़ करना चाहिए है।
ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।